फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सेलिब्रेशन हो रहा है करवा चौथ का और अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं दोस्तों। 4 बजे उठकर हमें वो कहते हैं ना सरगी और ये सब लेना पड़ता है। देख सकते हैं आप टाइम, तो ये है 4:25 जो कि हम बैठे हैं। नमक मिर्च का पराठा बनाया है चाय के साथ। पराठा इसलिए हम खाते हैं कि रात तक हमारा पेट थोड़ा भरा हुआ रहे और साथ में कुछ हम ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। सरगी करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है और कहते हैं बस इसका एक नियम है कि सुबह 4:30 बजे उठकर असुर कहते हैं असुर करना, तो वो हम अब कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसमें हमने कुछ डेट्स लिया, कुछ बादाम लिया, ये देखिए खजूर है। ये खाने से कहते हैं कि पेट भरा हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोग ये सब खाते हैं। थोड़े से बादाम ले लेते हैं साथ में। इस आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप सभी के घर की सुख शांति खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे। आप सभी लेडीज़ को हस्बैंड ढेर सारा प्यार दें, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला कर दें और कुछ भी नहीं, बस बोलना है। और अब टाइम हो रहा है हमारा रेडी होने का, पूजा वूजा करने का। 4 बज रहा है अब और अभी हम जाएंगे क्लब हाउस में, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर जो भी होगा चांद को हम लोग चांद की पूजा करते हैं। फिर हम लोग खाना वाना डिनर विनर जो होता है वो साथ में बैठकर खाते हैं। तो बने रहिए दिशा हब में इस व्लॉग में। और भी जो भी है मैं इसमें सब कुछ अभी जो पूजा हम लोग करेंगे सब लेडीज़ लोग मिलकर उसके भी कुछ क्लिप्स इसमें मैं देने वाली हूँ, मतलब डालने वाली हूँ। चलिए दोस्तों। तो गाइस अभी हम रेडी हो रहे हैं और करवा चौथ के नीचे एक क्लब हाउस में पूजा करने जा रहे हैं और सभी लेडीज़ के साथ मिलके हम खूब सारा एंजॉयमेंट करेंगे, पूजा करेंगे, करवा माता की कथा करेंगे, फुल मस्ती करने वाले हैं। और अब हम अपने क्लब हाउस के हॉल में आ गए हैं जहाँ पर सब लेडीज़ प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस में, साड़ीज़ में, लहंगाज़ में आई हुई हैं सज धज कर, बंधन कर करवा चौथ की पूजा करने के लिए। करवा माता की पूजा होती है, कथा होती है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ का जो वाइब्स कहते हैं ना, इतना मतलब अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। थाली सजाकर सब आते हैं, सज धज कर आते हैं और वो थाली एक्सचेंज करते हैं पूजा में, और मतलब घुमाते हैं, एक्सचेंज नहीं करते, ऐसे थाली को ना फेरते हैं। मतलब ये सब एक रिवाज होता है और ये कथा पूजा करने के बाद फिर हम मतलब कुछ भी जो हमें पसंद हो, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गया, वो एक एक कप ले लेते हैं। और पूरा दिन जो होता है हमारा निर्जल उपास ही रहता है, पानी नहीं लेते हम लोग पूरे दिन में, जो सुबह उठकर बस पीते हैं सरगी के समय जो होता है बस। उसके बाद फिर हम एक एक कप कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं और फिर रात को चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर अपने हस्बैंड की पूजा करते हैं और फिर हम अपना व्रत तोड़ते हैं। डिफ़िकल्ट तो होता है ये व्रत, बट बहुत मज़ा आता है। बहुत सालों के मतलब सालों से इंतज़ार भी रहता है इसका, क्योंकि इसमें मतलब एक होता है ना भाई, सज धज कर चलो चलो, सबसे मिलते हैं, कुछ लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मन मतलब होता है ना, कहते हैं ना, बहुत अच्छा सा लगता है। वैसे भी फेस्टिवल्स चाहे कैसे भी हों, कुछ भी हों, एक दूसरे को मतलब साथ ही लाता है, हमेशा मिलाता है। तो करवा चौथ का भी फेस्टिवल ऐसे ही है हम लेडीज़ के लिए, हम महिलाओं के लिए। करवा माता की पूजा करते हैं, उन्हें फल वगैरह चढ़ाते हैं और कोई कोई श्रृंगार का सामान लेकर आता है, जैसे कि मेहंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, और कोई नमकीन चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से थाली जो है वो फेरते हैं, मतलब बड़ी सर्कल हम बनाते हैं, उसके बाद थाली इस तरह से एक दूसरे को पास करते हैं। ये कथा में सब कुछ लिखा रहता है और उसी के हिसाब से, मतलब हम एक अंकल आंटी हैं वो पूजा करवाते हैं हमें, बहुत अच्छे से करवाते हैं और उन्हें हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम सब लेडीज़ साथ में मिलकर हमने ये पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद हमने बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए साथ मिलकर, फ़ोटोज़ लिए, ग्रुप फ़ोटोज़ लिया। तो देखिए यही एक मौका होता है कि हम फ्रेंड्स लोग सब एक साथ
एक साथ मिलते हैं, खुशी मनाते हैं और बहुत मज़ा आता है दोस्तों सच में। और इसी तरह हमने बस पूजा वूजा किया, पूजा संपन्न किया, उसके बाद अपने अपने घर गए, घर पर थोड़ा फ्रेश हुए जैसे कि मैंने बोला था, कोल्ड कॉफ़ी पिया और चाँद का इंतज़ार किया। चाँद बहुत लेट से आया बाबा, 12 बजे के बाद चाँद निकला। उसके बाद हमने चंद्र देवता की पूजा की, उन्हें अर्घ दिया, जल चढ़ाया, जो प्रसाद में मीठा था वो चढ़ाया, नमकीन चढ़ाया और फिर उसके बाद हस्बैंड ने हमें जल पिलाया और हमारा जो व्रत था वो संपन्न हुआ। तो इसी तरह से हमने ये करवा चौथ का व्रत किया और बहुत मज़ा आया दोस्तों, वाकई में पूरे साल हम इंतज़ार करते रहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो मेरे करवा चौथ का ब्लॉग था, आपका करवा चौथ कैसा रहा? चलिए दोस्तों, करवा माता आप सभी को हमेशा खुश रखे और बस यही कहना चाहूँगी मैं दोस्तों और विदा लेना चाहूँगी अब आपसे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, बाय बाय।